With doubtnet, get instant video solutions to all your maths, physics, chemistry and biology doubts. Just click the image of the question, crop the question and get instant video solution. Download doubtnet app today. Our question is, a square is encrypted in a circle. X square plus y square minus 6x plus 8y minus 103 is equals to 0, such that its sides are parallel to coordinate axes. Then the distance of the nearest vertex to origin is equals to what? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. A square, एक स्क्वायर है, is encrypted in a circle, जो कि एक सर्कल के अंदर बंद है. Encrypted in a circle बोलने का क्या मतलब है? एक सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो चारों किनारे हैं वो सर्किल पे टच कर रहे हैं. ठीक है, और सर्किल की इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 103 इज इक्वल टू 0. ये हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है कि इसी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है, सच दैट इट्स साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. और देखिए, स्क्वायर की खासियत भी है कि उसके जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं किसके? कोऑर्डिनेट एक्सिस के. तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वर्टेक्स टू ओरिजिन. ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब नियरेस्ट वर्टेक्स कौन सा होगा, वो फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले चारों वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना आएगा, उसमें सबसे नियरेस्ट जो होगा वो हमारा ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा अपना ऑप्शन है. तो चलिए फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसके लिए डायग्राम से चेक करते हैं. देख लीजिए डायग्राम में हमने क्या किया है. सबसे पहले ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर, या सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है. ठीक है, तो ये है स्क्वायर एनक्रिप्टेड अ सर्किल. मतलब देखिए, इसके चारों जो किनारे हैं वर्टेक्स ये टच करेंगे इसके सर्कमफ्रेंस को. ठीक है, तो ये हो गया अ स्क्वायर इज एनक्रिप्टेड इन अ सर्किल, पहली लाइन. ठीक है, और सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं. सर्किल क्या गिवन है? सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस एट वाई, प्लस के साथ एट वाई माइनस 103 माइनस 103 इज इक्वल टू 0. तो सर्कल की इक्वेशन लिख ली. सेंटर कितना निकल के आ रहा है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ के थ्रू सेंटर हो जाएगा 3, -4. 3, -4 सेंटर, और रेडियस भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ. कितनी आ जाएगी? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो जी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस एफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर किया 16, माइनस माइनस प्लस 10. इट इज नॉट 130, इट इज 103. जस्ट लेट मी करेक्ट दिस वन. दिस इज 103. हियर वी विल गेट 1, 0 एंड 3. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे. 103 एंड 25 विल गिव अस 128, विच इज नथिंग बट 8√2. ये रेडियस आ गई. अब क्या करना होगा? देखिए, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सर्कल का सेंटर से सी बी द सेंटर. पॉइंट्स लिखते हैं ए बी सी और डी. ठीक है, ये चारों हमने इसके वर्टेक्स लिख लिए हैं स्क्वायर के अपने. अब देखिए, सेंटर कितना है? 3, -4. सेंटर की वैल्यू है 3, -4. तो 3, -4 सेंटर है. अब सेंटर है, ये स्क्वायर बोल रहे हैं. एसी कितना है? एसी अपना डायमीटर है. रेडियस निकल गया तो डायमीटर निकाल लेते हैं. एसी इज इक्वल टू 2 × 8√2. 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा ना, बोले तो 16√2. और यही क्या है, 16√2 एसी ही तो स्क्वायर का डायगनल है. नाउ डायगनल निकल गया √2 टाइम्स, तो नाउ साइड क्या हो जाएगा? नाउ ab इज इक्वल टू 16√2/√2. इट विल बी 16√2/√2. ये हो जाएगा साइड. देखिए, कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर है जिसका साइड ए है, तो उसका डायगनल कितना होता है? √2 होता है. या √2 डायगनल दिया है तो उससे साइड कितना निकालते हैं? √2 से डिवाइड कर देते हैं, साइड मिल जाती है ए. तो वही कर रहे हैं, डायगनल हमारे पास 16√2 है, उसमें √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें साइड मिलेगी. साइड कितनी मिल गई? 16 यूनिट साइड मिल गई. अब क्या करना होगा? देखिए, सेंटर से
इतना ही ऊपर जाना होगा, मिड में सेंटर होगा, तो 8-8 यूनिट ऊपर जाइए, 8 यूनिट ऊपर जाएंगे, 3+8 करेंगे 11, और -4 में 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब साइड अगर हमारा कितना है, साइड है हमारा 16, और सारे साइड्स देखिए पैरेलल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ये दोनों वाई एक्सिस के और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अपना सेम रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखते हैं, एक्स पे डिस्टेंस कोई भी ट्रेवल नहीं हुई है, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ वाई पे ट्रेवल हुई है, और कितनी ट्रेवल हुई है मतलब 4 से हमें कितना डाउन आना है कि डिस्टेंस 16 हो जाए, तो -12 हो जाएगा, -12। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वाई पे वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुई है, तो -12 तो मेंटेन रहेगा, लेकिन 11 से हम कितना पीछे आए कि ये डिस्टेंस हमारी 16 हो जाए, तो -5 हमें जाना होगा, -5 पीछे आएंगे। उसी तरह से डी पॉइंट में भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या मेंटेन रहेगा, यस -12 तो मेंटेन रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या चेंजेस आए हैं वो देखना होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट -12, ये वाई पे चेंज हुआ है ना, देखिए यहाँ पे हम आए थे, यहाँ एक्स पे वेरिएशन नहीं था, वाई पे था, यहाँ पे एक्स में था, और यहाँ पे फिर से वाई में वेरिएशन मिलेगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट अपना फिक्स रहेगा -5, इट विल बी -5, जस्ट अ मिनट, -5, या इट विल बी -5, नथिंग बट 4, ठीक है, डिस्टेंस हमारी 4 से -12 16 मेंटेन हो गई। अब चेक करते हैं कि नियरेस्ट वर्टेक्स कौन सा है अपना, नियरेस्ट वर्टेक्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ओ ए निकालना होगा, फिर ओ बी फाइंड आउट करना होगा, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट ओ सी, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट ओ डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब फाइंड आउट करना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0,0 से इसका डिस्टेंस रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 13, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे 13 आ जाएगी डिस्टेंस। ओ बी इस पॉइंट पे आ जाइए, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस रूट ओवर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये प्रोवाइड कर देगा 256, रूट ओवर 256, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर 256। ओ सी की बात कर लेते हैं, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 121 में हम 16 ऐड करेंगे तो 137 आ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 137। कुछ नहीं, सिंपली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स 25 में 16 ऐड करेंगे, इट विल गिव अस 41, तो ये हो जाएगा 41। इसमें से सबसे कम कौन सी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस सबसे कम होगी वही वर्टेक्स नियरेस्ट होगा ओरिजिन के, तो डेफिनेटली रूट ओवर 41, क्योंकि ये 6 से 7 के बीच में आएगा और ये तो अकेला ही सिर्फ 13 है, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा नियरेस्ट वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। फॉर क्लास 6 टू 12 आईटीजी एंड नीट लेवल ट्रस्टेड बाय मोर देन 5 करोड़ स्टूडेंट्स, डाउनलोड डाउट एंड ऐप टुडे।